नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरे फेवरेट परफ्यूम्स। इस साल मैंने काफ़ी परफ्यूम्स यूज़ किए हैं और यूजुअली भी मैं एक स्वेटी पर्सन हूं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अच्छे फ्रेग्रेंस की या बॉडी मिस्ट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से परफ्यूम्स हैं या बॉडी मिस्ट हैं या ऐसे कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, ये कायली का लव फेस्ट है इन द वेर एंड बर्निंग चेरी। कायली का ये परफ्यूम इस साल 2nd week of August में आया था, मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस लॉन्च। बहुत ही एक्साइटेड थी मैं इस लॉन्च के लिए, एंड आई मस्ट से आई वॉज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। मैंने इसे यूज़ किया और फर्स्ट टाइम यूज़ से ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये परफ्यूम। ट्रैवल साइज है ये, 10 ml का प्रोडक्ट है और आपको ये 100 dirhams का पड़ेगा, यानी 2000 रुपये का। कैली जो है वो बाय मोना कट्टन ओन्ड है और वो बहुत ही अच्छी ओनर है, बिजनेस वूमेन है। ये फ्रेगरेंस उन्होंने बहुत ही प्यार से रिलीज़ किया इस साल। दे मार्केटेड इट रियली वेल, आई वुड से। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट। दिस इज़ माई फर्स्ट फ्रेगरेंस बाय कायली एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है और अरबिक फ्रेगरेंस है ये इन अ वे, और ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। मैं एक बात बता दूँ, मेरी स्किन पर कोई भी परफ्यूम टिकता नहीं है, परफ्यूम, बॉडी मिस्ट, कुछ भी लगा लूँ मैं, कुछ नहीं टिकता, पर ये जो है ये डेफिनेटली टिकता है। आप कपड़ों पे इसे स्प्रे करें या फिर अपनी स्किन पर जो आपके कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये डालते हैं, वो आप वहाँ पर डालें, जैसे यहाँ यहाँ, एंड इट विल स्मेल एंड लॉन्ग लास्ट फॉर एवर। आई वुड से मेरी स्किन पर ये रहता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ माई 1 परफ्यूम एट दिस मोमेंट, और ये ऑटम विंटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। ये परफ्यूम इतना अच्छा लग गया कि मैंने इसका एक और बॉटल परचेज किया है, क्योंकि ये हैंड बैग में आराम से मैं डाल के घूमती रहती हूँ, एंड मुझे लगता है फ्यूचर में मैं शायद इसकी बड़ी बॉटल भी परचेज करूँगी। क्या आपने इस परफ्यूम को यूज़ किया है, डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। कायली के किसी और परफ्यूम को भी आपने पिक किया है और आपको वो अच्छा लगा है या शायद नहीं अच्छा लगा है, वो भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। कायली के परफ्यूम्स मैंने परचेज किए हैं और मैंने इसको ज़्यादा ट्राई किया है या यूज़ किया है बट से, और ये मुझे अच्छा लगा। हम बात करते हैं गूची ब्लूम की। ये 2018 में रिलीज़ हुआ था, एंड जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, काफ़ी बेसिक है पर ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैंने इस बॉटल को फिनिश भी कर दिया, ये फिनिश होने ही वाला है, और ये अगर ख़त्म भी हो गया तो मैं इस बॉटल को फेंकने नहीं वाली हूँ, दैट मच आई कैन डेफिनेटली टेल यू। ये और दी परफ्यूम है, एक्वा दी फ्योरी नाम है इसका, और ये तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का आता है, और ये मैंने कुछ समय पहले परचेज़ किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके भी जो नोट्स हैं वो फ्लोरल हैं, और मुझे अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि ऐसे फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इवन दिस वन इज़ लॉन्ग लास्टिंग, पर लॉन्ग लास्टिंग वो जो लव फेस्ट बाय कैली है वो ज़्यादा है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम लॉन्ग लास्टिंग है, पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और लिंगर बहुत अच्छे से करती है स्किन पर काफ़ी समय तक, और इसलिए मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ, आई फील फ्रेशन अप, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इसकी जो खुशबू है वो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस परफ्यूम को कभी ट्राई किया है या नहीं। ये 100 ml की बॉटल है। तब हम बात करते हैं इस यादगार परफ्यूम की। तो मैं इस साल सिंगापुर गई थी और मैं मिनीसो गई, वहाँ पर मैंने इस परफ्यूम को देखा, और इस परफ्यूम की जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने इसका टेस्ट स्प्रिट्स करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम है ये, और मैंने इसे पिक किया। ये है मिनीसो का सीक्रेट गार्डन और दी परफ्यूम जार्डियन सीक्रेट, और 100 ml ऑफ बॉटल है ये। कितना सुंदर है, और इसका जो पैकेजिंग है बिल्कुल भी चीप नहीं दिखता है, इट इज़ रियली नाइस, एंड आई थिंक आई विल नेवर थ्रो दिस वन आउट एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये परफ्यूम। परफ्यूम जो है बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। जब ये ड्राई डाउन होता है तो इसकी जो खुशबू है वो वाइट मस्क की, पचौली की और सेडरवुड की होती है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
एकदम से आपको ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट व्हेन इट सेटल्स डाउन इट स्मेल्स अमेजिंग. ये एक कारण था जब मैंने इसे पिक किया था. आई जस्ट गिव इट सम टाइम, आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द स्टोर और मुझे इसकी खुशबू फिर समझ आई एट दी एंड कि इसका जो ड्राई डाउन नोट है वो क्या है. एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक सच परफ्यूम्स डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. चलो अब हम बात करते हैं इस परफ्यूम की. ये है ज़ारा का ऑर्चिड परफ्यूम, 90 ml की बॉटल है. ये सेट ऑफ टू में आया था और मुझे एक परफ्यूम 1000 rupees का पड़ा था, INR 1000. और यस, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस. ये जो है ये बाय चांस आई डिस्कवर्ड, एक्चुअली मुझे रील्स पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस परफ्यूम की बहुत सारी वीडियोज़ दिख रही थी. हाई एंड ब्रांड्स के साथ इसको ड्यूप किया गया था. आई मीन बेसिकली दिस वॉज अ ड्यूप फॉर दोज हाई ब्रांडेड परफ्यूम्स. आई वॉज लाइक ऐसा क्या है भाई इसके अंदर. पर मैंने अपने बारे में एक चीज़ ज़रूर से जान ली है कि मुझे रोजी फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसमें भी काफ़ी वेरियंट्स होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किस तरीके का परफ्यूम आप चूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं. मुझे ऐसे फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छे लगते हैं. ये ऑर्चिड वेरियंट का है, इसके साथ वाइल्ड रोज भी आया था. वाइल्ड रोज से ज़्यादा मुझे ये वेरियंट अच्छा लगा और ये मुझे किफ़ायती दाम पर भी मिला आई वुड से. और ज़ारा का ये वेरिएंट या ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है. इसके अंदर बर्गामॉट और वनीला और ऑर्चिड ऑफकोर्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है. इट स्मेल्स अमेजिंग और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने इसे यूज़ कर लिया है. आई एम जस्ट ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश दिस अप एंड प्रॉब्ली आई रीपर्चेज इट. इनफैक्ट मैं ज़ारा के ऐप पर जाकर देख भी रही थी, इसका और भी बड़ा वेरियंट दिखा मुझे वहाँ पर. सो दिस इज़ जस्ट 90 ml बॉटल और मुझे अच्छा लगा. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके के फ्रेगरेंसेज अच्छे लगते हैं या नहीं. और अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है. डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ ट्राई, आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे. लेट्स मूव ऑन. ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना फ्रेग्रेंस है. आई मीन काफ़ी सालों पहले ये लॉन्च हुआ था और आई मस्ट से कि ये ब्रिटिश रोज़ बाय द बॉडी शॉप काफ़ी पॉपुलर रेंज है और आपको बॉडी केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इस रेंज में. ये जब रिलीज़ हुआ था आई बिलीव समवेयर इन 2018 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं अपने फ़ोन में चेक करी थी. तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये 2016 माई मिस्टेक, ये जो है 2016 में रिलीज़ हुआ था और मैंने तब इसे देखा था. आई थिंक तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसे परचेज़ किया. मैंने द ब्रिटिश रोज का जो दूसरा दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बॉडी स्क्रब, बॉडी क्रीम, हैंड क्रीम, ये सब यूज़ किया हुआ है. जब लॉन्च हुआ था उसके 1.5 साल के अंदर ख़रीद लिया था मैंने ये. समहाउ आई डोंट नो, आई वाज नॉट ड्रॉन टूवर्ड्स इट कि मैं इसे ख़रीद लूँ, पर मैंने इसे आई थिंक 1.5 साल पहले ही ख़रीदा इंडिया से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. और मैंने इसे यूज़ किया एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपको रोज़ी फ्रेग्रेंस ख़रीदना है एंड ओनली वन फ्रेग्रेंस यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, पिक दिस वन अप. इट इज़ रियली गुड, इट इज़ दैट गुड आई वुड से. तो ये है एक्चुअली ये परफ्यूम नहीं और दी टॉयलेट है, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ. इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअली रोज़ी है एंड इट इज़ रियली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि आपको माइग्रेन दे दे. इट इज़ रियली गुड. और रोज़ वाटर जो होता है उसका फ्रेग्रेंस और उसका फ्रेग्रेंस नॉट द सेम. ओके, सो एंड आई विल से दैट एंड दिस इज़ 100 ml बॉटल. आप देख सकते हैं बॉटल कितना अच्छा लग रहा है, नाइसली पैकेज एंड आई रियली लव दिस बॉटल. बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है. आज भी जब मुझे, और मैंने इसे ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो मेरे पास और भी परफ्यूम्स है तो मैं रोटेशन में चलती रहती हूँ. और यू कैन सी अभी भी ये बच रहा है एंड मैं डेफिनेटली इसे यूज़ करके ख़त्म करूँगी इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए. एंड मैं कह रही हूँ अगर आपको एक परफ्यूम अपनी लाइफ में परचेज करना है जो कि अच्छी खुशबू का हो, ये डेफिनेटली वो परफ्यूम है. आप इसे ज़रूर से स्टोर पर जाके अगली बार स्प्रिट्स करके देखिएगा एंड जस्ट थैंक मी लेटर. I forgot to tell you about this one. ये भी मिनीसो से परचेज़ किया था मैंने और ये है मिनीसो का क्रिस्टल ऑडी परफ्यूम. ये आपको 50 ml की बॉटल मिल रही है. काफ़ी अच्छा स्मेल करता था ये और मैंने इसे पूरा ख़त्म कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं. इसे मैंने इस साल ही परचेज़ किया था. मैंने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये पर्टिकुलर परफ्यूम
गिफ्ट किया। एंड ये तकरीबन आपको 20 दिरहम के आसपास यानी 400 रुपए के आसपास मिल जाएगा यहाँ पे। वेरी नाइस परफ्यूम, अगर आप ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है ये और खुशबू बहुत अच्छी है। इसके नोट्स जो है मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये परफ्यूम भी मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे बस ख़त्म करना था इसलिए मैंने ख़त्म किया, नहीं, आई टोटली एंजॉयड यूजिंग दिस वन। ये जो है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बॉडी मिस्ट है एंड मैं आपको बता रही हूँ इट स्मेल्स वेरी एक्सपेंसिव। मैंने भी काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी और इस पर्टिकुलर मिस्ट को पिक किया इसी साल, आई थिंक 2-3 महीने पहले जब मैं छुट्टी जा रही थी इंडिया, उससे पहले या उसी दौरान मैंने इसे पिक किया। एंड आई मस्ट से ये अच्छा फ्रेगरेंस है, आप देख सकते हैं इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं छुट्टी से उसके बाद हम फिर ट्रैवल कर रहे थे एंड आई जस्ट गॉट टाइम नाउ टू फिल्म दिस वन एंड आई रियली लव दिस। क्यों? क्योंकि मैं इसका बॉडी क्रीम और शार जेल भी लिया था, आई कंज्यूम द शार जेल टोटली और बॉडी क्रीम थोड़ी सी बच रही है। ये फ्रेग्रेंस मिस्ट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि बाथ एंड बॉडी वर्क से और भी फ्रेग्रेंसेस थे जो मैं यूज़ करी थी ट्रेवल साइज एंड वो ख़त्म करना था मुझे क्योंकि वो रेगुलरली यूज़ करके मैं फिनिश करने वाली स्टेज पे थी। बट बात करूँ मैं इसकी, ये जो है काफ़ी एक्सपेंसिव स्मेल करता है और इस पर लिखा हुआ यू आर द वन, ये एक कलेक्शन है जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स की है, यू आर द वन बाथ एंड बॉडी वर्क्स फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है यहाँ पे और एक्सपायरी इसकी 12 मंथ्स है, सो आई हैव 1 ईयर टू फिनिश दिस अप। आपको ये 8 ml OZ या 236 ml की पूरी बॉटल मिल रही है, प्लास्टिक बॉटल है बट लुक एट द पैकेजिंग, आई रियली लव इट, आई फाइंड इट क्यूट और स्मेल्स अमेजिंग। आई जस्ट रीड आउट द नोट्स फॉर यू, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। What it smells like, Bath and Body Works के वेबसाइट पर हूँ। A sparkling beautiful night with the one you love. Fragrance notes, white birch, velvety rose and a drop of strawberry nectar. काफ़ी pleasant smelling body mist है ये और ये perfume को मात दे सकता है अच्छे से अच्छे या महंगे से महंगे। So अगर आपको expensive feel करना है, कौन नहीं चाहता अच्छा feel करना, अच्छा fragrance उनसे अच्छा स्मेल करना, सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि आप इसे चेक करें। अगर आपको परफ्यूम्स खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो गिव दिस वन अ ट्राई और डिस्काउंट पर ही आपको और सस्ते दाम पर मिल जाएगा। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि इसको भी आप एक बार ट्राई कर लेना अगर आपको रोजी या फ्रूटी स्मेल्स पसंद नहीं है। इसकी खुशबू काफ़ी यूनिक भी है और मैं सही बता रही हूँ, अगर आपको माइग्रेन वगैरह है तो आप स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे रोज की स्मेल काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती है, सो स्टे अवे फ्रॉम दैट, यू कैन ट्राई दिस वन आउट। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम की, प्लम का बॉडी लविन रेंज जो है या कलेक्शन है इसी साल लॉन्च हुआ है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे लगता है कि इसी साल लॉन्च हुआ है बॉडी लविन बाय प्लम का रेंज और उसमें उन्होंने काफ़ी वेरियंट्स ऑफ परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट्स एंड शार जेल एंड वॉट नॉट दे हैड रिलीज्ड। मैंने वेबसाइट पे जाके इतना हाइप देखा, आई मीन सोशल मीडिया पे हाइप देखने के बाद वेबसाइट पे जब मैं गई एंड आई जस्ट लुक्ड एट द प्राइसेस एंड द डिस्काउंट्स एंड ऑल, सो आई वाज लाइक ओके फाइन मैं खरीदूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट। फिर मैं नायका से शॉपिंग कर रही थी व्हेन आई वाज इन इंडिया इन अक्टूबर, तो मैंने देखा आई थिंक पर्पल पे भी मैंने देखा, मैंने बहुत सारी जगह पे रेट्स वगैरह देखा, मिंत्रा पे मुझे डील मिल गई बाय वन गेट वन की, तो मैंने वो परचेज किया था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। पर मुझे बैकग्राउंड स्टोरी में ये भी बताना है कि इसका एक ट्रेवल साइज आता है, आई थिंक 300 रुपये का आता है, इतना छोटा सा बॉटल होता है, वो मैंने अक्टूबर में पूरा यूज़ करके फिनिश कर दिया और मैं जब भी उसे यूज़ कर रही थी मेरे घर वाले और मेरे रिलेटिव जो है, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव जो हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने क्या अप्लाई किया है, मैंने उनको स्प्रिट्स करके स्मेल कराया, इवन दे लाइक द परफ्यूम, सो इट इज़ दैट गुड, आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स। मैं बात कर रही हूँ प्लम बॉडी लविन और द परफ्यूम इन द वेरियंट ऑर्किड यू नॉट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव परफ्यूम्स आई वुड से एंड हाई क्वालिटी। आप देख सकते हैं ये नया बॉटल है, मेरे पास एक और नया बॉटल है, मैंने बैकअप ले लिया क्योंकि आई एम नॉट श्योर व्हेन आई विल गेट टू ट्रैवल टू इंडिया, तो मैंने वो जो छोटा ट्रैवल साइज था वो तो फिनिश कर दिया, मैं सोचा कि नहीं यार ये इतना अच्छा परफ्यूम है, आई विल परचेज मोर, सो आई परचेज 2 इन टोटल एंड दिस वन इज़ ऑर्थी परफ्यूम बाय प्लम बॉडी लविन और ये ऑर्चिड यू नॉट वेरियंट में है, बहुत अच्छा स्मेल करता है एंड आई वॉज लुकिंग डाउन बिकॉज आई वॉन्टेड टू ओपन माई फोन एंड रीड आउट द नोट्स फॉर यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
राइट. सो हियर वी आर. टॉप नोट्स रेड एप्पल, ग्रेपफ्रूट, ब्लैक करंट. मिडिल नोट्स वाटर लिली, फ्रीसिया, जैस्मिन. बेस नोट्स मस्क, सैंडल एंड एम्बर. एंड आई मस्ट से ये बहुत अच्छा स्मेल करता है. आई लव इट. और आपको सारे परफ्यूम्स मैंने बोले हैं उसमें यही चीज़ बोलूँ मैं, आई लव इट, आई लव इट, बिकॉज ऑल दीज परफ्यूम्स आर माई फेव. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये परफ्यूम्स. आई एम अ वेरी चूजी पर्सन, आई वुड से. मेरे को एक पर्टिकुलर तरीके का परफ्यूम पसंद आता है, या तो वो रोजी होना चाहिए. फ्रूटी ज़्यादा पसंद नहीं, मस्की मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, बट दिस वन इज़ यूनिक. ऐसा फ्रेग्रेंस आज तक मैंने खुद यूज़ नहीं किया था एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन. कितने ml का है ये, आई एम श्योर दे मस्ट हैव मेंशन ओवर हियर. 950 की एक बॉटल आती है, 50 ml का ये बॉटल है. सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है. और इसकी आउटर पैकेजिंग कितनी अच्छी है. सो मैं इंडिया से इसे आराम से लेके आ पाई. आई लव इट और आई लव दिस परफ्यूम. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस परफ्यूम को ट्राई किया है या नहीं. अब हम बात करते हैं इसकी, ये भी ख़त्म होने वाला है. इसको मुझे जितना याद आ रहा है इस साल परचेज किया था मैंने, अगर मुझे सही से याद है. और इसके साथ बॉडी क्रीम भी आई थी. बॉडी क्रीम तो मैंने टोटली एग्जॉस्ट कर ली. मैं बात कर रही हूँ विक्टोरिया सीक्रेट की वेलवेट पेटल्स डिकेडेंट 250 ml के फ्रेग्रेंस मिस्ट की. काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है और ये रोजी पेटल वेरिएंट का है. मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस क्रीम को लगाने के बाद इसको अप्लाई करती थी तो थोड़ी लॉन्जेविटी इसकी बढ़ती थी. अदरवाइज किसी भी बॉडी मिस्ट की ज़्यादा लॉन्जेविटी होती नहीं है, एटलीस्ट मेरे स्किन पे नहीं टिकती है, चाहे वो बाथ एंड बॉडी वर्क हो चाहे विक्टोरिया सीक्रेट को. इवन विक्टोरिया सीक्रेट के काफ़ी बॉडी मिस्ट मेरे स्किन पे टिकते नहीं है और मैं सेल पे परचेज करना ही प्रेफर करती हूँ. पर ये वाला जो वेरिएंट है इसको मैं यूजुअली बॉडी क्रीम्स के साथ बॉडी मिस्ट को लेयर करती हूँ और तभी वो मेरे स्किन पर कुछ घंटों तक टिक पाता है. सो दैट इज़ दैट. और ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट मुझे लगा इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है. आई लव दिस वन एंड आई थिंक आई विल श्योरली फिनिश दिस वन अप प्रीटी सून. और आई वुड से ये स्प्रिंग समर टाइम के लिए अप्रोप्रिएट है. अनदर बॉडी मिस्ट विच मस्ट बी यूज ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर. वैसे तो कोई रूल बुक नहीं है कि तुम्हें ये तब यूज़ करना है तब वो यूज़ करना है, आपको जब जो सही लगे तब यूज़ करो. और ये नायका का जापनीज चेरी ब्लॉसम रेंज से है. इसका भी बॉडी क्रीम और बॉडी मिस्ट मैंने पिक किया था. बॉडी क्रीम आधी यूज़ हो चुकी है और बॉडी मिस्ट आप देख रहे हैं कितना यूज़ किया है. भाई मैंने इसको इतना यूज़ किया है फिर भी ये ज़्यादा आई डोंट नो क्या है, इतना फाइन है कि इतना यूज़ करने के बाद भी इतना बच रहा है. आई हैव टू यूज़ इट अप, आई एम हैप्पी टू यूज़ इट. और इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है बाय द वे. और अगर आपको बहुत देर तक फ्रेग्रेंस अगर लिंगर कर रहा है स्किन पर स्ट्रॉन्ग वे में इवन आफ्टर ड्राइंग डाउन वो पसंद नहीं है देन स्टे अवे फ्रॉम दिस. मैनी पीपल आई हैव रेड रिव्यू ऑफ दे वर नॉट इन टू इट. सो दैट्स योर चॉइस. बट स्प्रिट्स इट वेन यू आर इन द नायका स्टोर नेक्स्ट टाइम. Then decide what you have to do with this one. I'll read out the notes for you. I had taken that out for you to know. इसके अंदर इन्होंने लिखा, वैसे मैं नायका के ऐप पर हूँ. Say hello to the good mood, positive vibes, and with our cherry blossom fragrance mist, the fragrance of the beautiful little blossom will refresh and invigorate your tired mind. Few sprays of this body mist will enchant your senses. It's like a love letter to you from Japan. So that's a good description. नोट्स पर से इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कहाँ पे लिखा है. 200 ml की बॉटल है. वंडरलस्ट जापनीज चेरी ब्लॉसम और ये कुछ ऐसा दिखता है. काफ़ी डिफरेंस स्मेल करता है. और अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंसेस फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन गिव इट अ शॉट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजुअली मैं अरबिक परफ्यूम्स ट्राई करती रहती हूँ. ये मैंने डे टू डे से पिक किया है. दिस वन इज़ इन द बाय फरजाना कलेक्शन इन द वेर एंड दिरहम गोल्ड. आई स्पेसिफिकली पिक्ड इट फॉर द पैकेजिंग एंड द फ्रेगनेंस. तो पहले मुझे पैकेजिंग ने अट्रैक्ट की, फिर मैंने स्टोर पर से स्प्रिट्स किया एंड देन आई पिक दिस वन अप. अब इसको खरीदे हुए एक महीना भी नहीं हुआ है एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट अप. ये काफ़ी अरबिक फील करता फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम है. एंड आपको अगर ऊदी स्मेल्स पसंद है, मस्की पसंद नहीं है, देन यू शुड गो फॉर दिस वन. इसके नोट्स वगैरह तो इसके कार्टन पे थे, कार्टन मैंने फेंक दिया है. और ये 200 रुपए का परफ्यूम है. लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, इसका जवाब है नहीं. बट सिंस आई लव दिस फ्रेगरेंस आई कीप स्प्रिट्जिंग इट ऑल ओवर एंड माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक्स दिस फ्रेगरेंस. इट इज़ रियली नाइस. आपको अच्छे से अच्छे या महंगे से महंगे ऊद वाले जो शॉप है ना वहाँ पे ऐसे फ्रेगरेंस मिल जाएंगे. एंड देयर आई यूज टू फाइंड इट वेरी कॉस्टली. Somehow this was really, really affordable and I picked this one up and I plan to pick this one
वंस दिस वन गेट्स ओवर फॉर श्योर आई एम गोइंग टू डू दैट. अगर आप अगली बार दुबई में डे टू डे की शॉप पे हैं डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. फरजानास कलेक्शन का और भी फ्रेगरेंसेस वहाँ पे था, मैंने ट्राई किया, आई डेंट लाइक एनी ऑफ दोज. एंड यू नो मैं शॉप पे जब गई थी कुछ समय पहले, आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट सम परफ्यूम्स एंड मैंने दो तीन परफ्यूम अप्लाई कर लिए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यू वोंट बिलीव ऐसे परफ्यूम मैंने कहीं स्मेल कर रखा था ना, इट वॉज अ मैच ऑफ दैट परफ्यूम. सो मेरे दिमाग में ये परफ्यूम तो समझ आ गया कि मैंने इतने स्प्रिट्स किया इसमें से, जल्दबाजी में थी तो मैंने सारे स्प्रिट्स कर लिया. फिर मुझे लगा कौन सा है वो परफ्यूम, आई वॉज ट्राइंग टू मैच दैट परफ्यूम स्मेल विद द वन विच आई हैड स्प्रिट्स. फिर मैंने फिर से स्प्रिट्स किया वो तीन चार परफ्यूम एंड देन आई फाउंड आउट ओके फाइन दिस इज द वन एंड दैट इज द बैक स्टोरी ऑफ दिस परफ्यूम. आई एंजॉय यूजिंग दिस वन एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप भी इस परफ्यूम को चेकआउट करें. खरीदना नहीं खरीदना तो अलग बात है यार, जाके स्प्रिट्स करो, पता लगाओ तुम्हें पसंद है या नहीं. हाँ जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि आज मैंने अपने लिप्स पर क्या अप्लाई कर रखा है, तो आज मैंने कारनामा किया है, मैंने कलर पॉप की फूलिश जो कि रेडिश म्यूटेड रेड ऑरेंज या टेराकोटा रेड कह लो वो शेड अप्लाई कर रखा है क्योंकि मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा है. और उसके ऊपर ना मैंने ये अप्लाई किया है मेकअप रेवोल्यूशन का लिटअप इल्यूमिनेटर एंड दिस वन इज़ बाय मेकअप रेवोल्यूशन ग्लो अप. ये आप देख सकते हो इसमें स्पेक्स है, मैंने इसे ऐसे ग्लॉस यूज़ किया, मैंने ज़्यादा निकाल लिया और उसके बाद ना आई वॉज जस्ट स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर माई लिप्स, तो मेटालिक लिप का थोड़ा सा लुक आ गया. बट ये हाईलाइटर की तरह तो मैं यूज़ नहीं करने वाली ब्रो, ये तो ग्लॉस के लाइक भी नहीं लगा मुझे, इट्स टू रनी एंड आई डोंट सी इट गेव एनी ग्लॉसी फिनिश. आई वॉज यूजिंग सो दैट आई कैन गेट सम शाइन शीन ऑन माई लिप्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट काम चल गया आई वुड से. सो आई डोंट रियली रिकमेंड दिस वन एज अ लिप टॉपर और समथिंग, हाईलाइटर की तरह यूज़ करके बताऊँगी कैसा था. बट या दिस इज द कॉम्बिनेशन विच आई हैव अप्लाइड ऑन माई लिप्स टुडे. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको इसमें से कोई भी परफ्यूम अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इनमें से किसी भी परफ्यूम को आपने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है. आई वुड लव टू नो, प्लीज़ कमेंट बिलो. इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय.